ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिडीरितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ये भुरिदा जनाः। भक्ति गीत हो रहा है बलराम मंदिर में। पहले श्री कृष्ण गीत हुआ है, केशव कुरु करुणादि ने कुंज कारणचारी, उसके बाद श्री रामकृष्ण ने कहा था निताई के भाव में कोई गान कहो, तो तारापद उपकान में पेश किया। नित्यानंद गौरांग को राधा का अवतार रूप से प्रोजेक्ट किया। स्वयं भगवान गौरांग रूप धारण करके अवतीर्ण हुए थे। राधा का सच्चा प्रेम वितरण करने के लिए और वो लेने के लिए नित्यानंद सबको उदात्त कंठ में आह्वान कर रहे हैं। उनको किशोरी कह रहे थे, किशोरी राधा का नाम है, क्योंकि गौरांग अभी किशोरी का जो राधा का भाव में उनके भक्ति से उनके बढ़ने से आविर्भाव हुआ है। नित्यानंद का शरीर धारण करती हुई किशोरी प्रेम निभी आए, प्रेमे जुआर बोए जाए। कल हम चर्चा किए थे ये प्रेम लेने के लिए आह्वान कर रहे हैं, प्रेम का बाढ़ आ गया। और इसमें जो प्रेम का जो आवेग है इसमें कोई अंत नहीं है। जे ज्योतो चाहे त्योतो पाए, वही छिड़े प्रेम शतधारे, जे ज्योतो चाहे त्योतो पाए। शतधारे प्रेम का कोई अंत नहीं है, अनंत प्रेम है। और वितरण कौन कर रहे हैं? प्रेमेर किशोरी, प्रेम बिलाय साध कोरी, राधार प्रेमे बोल रे होरी। अभी प्रेम का किशोरी है वो खुशी से, कोई ज़रूरत नहीं है साथ करी, खुशी से सबको वितरण कर रहे हैं। वृंदावन में जो प्रेम अपने आप गोपियों के पास रखे थे, अभी गौरांग अवतार में वो सर्वजन साधारण में, आपामार जाति वर्ण निर्विशेष में वितरण कर रहे हैं, जगाई मदाई तक। और कैसा प्रेम है? प्रेमे प्राण मत्त करे, प्रेम तरंगे मन नाचाए, राधार प्रेमे हरि बोले आए 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 आए। यही गाना है। ये प्रेम लेने के आह्वान क्यों किया जा रहा है? तुम्हारा प्राण मस्त हो जाएगा, तुम्हारा मन प्रेम का आनंद से नाचते रहेंगे। जिसको उल्लेख हम कल किया था रविंद्रनाथ ठाकुर का संगीत में, प्रेमेर जुआरे भाषा वो दुहारे, बादन खुले दाओ 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 दाओ। अभी इसके बाद नित्यानंद का भाव से होने के बाद गौरांग का भाव से एक संगीत परिवेशन किया।
कार भावे गोर भेषे जुड़ाले हे प्राण। गौरांग आ गया, प्राण तृप्त हो गए। कौन भाव लेके आए? गोर भेष में आए थे। तो भगवान कृष्ण का अवतार है, लेकिन भीतर में राधा भाव में पूर्ण है। राधा एवं कृष्ण का जुगल मूर्ति में आगमन एवं प्राण शांत हो जाता है। प्रेम सागरे उठलो तूफान, थाकबे ना आर कुलमान। कोर प्रेम में मजा ले रहे हैं। हाँ, प्रेम से हमारा मन को चुरा लिया। फिर उनके जो वृंदावन का जो लिंक है वो भी बता रहे हैं। ब्रोजेर माझे राखाल साजे चौराले गोधन, तो गोधन भी गोचारण किया था राखाल साज में। धोड़ले आबार मोहन मासी मोजलो गोपीन मन। गोपियों का मन आकृष्ट कर लिया। धोरे गोवर्धन राखले वृंदावन, मानेर दाए धोरे गोपीर पाए भेसे गेल चाँद बयान। प्रेमे मन मजाले है। तो ये जो उनका गौरांग का विवरण दिया है ठाकुर, ये गान ये संगीत भक्तगण के बीच में परिवेशन करा रहे हैं, ताकि हम सबका मन भगवत प्रेम में पुलकित हो जाए। भगवान जब अवतार रूप से आते हैं तब कोई एक समय के लिए उनका आविर्भाव नहीं होता है। उनका जो लीला वो नित्य लीला है, वो बराबर के लिए है, ये याद रखना चाहिए। नहीं तो इतने दिन बाद उसको याद करने से क्या फायदा है? वो नित्य लीला है। जो संगीत में है, खोज 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 खोजले पावी हृदय माझे वृंदावन। वो वृंदावन लीला गौरांग लीला अभी तक चल रहा है, शेष नहीं है, वो नित्य लीला है। अद्यपि हो सही लीला करे गोरा राय कोनो कोनो भाग्यवान है देखी बारे पाए। जिसे रामकृष्ण लीला भी अभी तक चल रहा है, चलते रहेंगे, वैसे ठाकुर जो गौरांग लीला है उसका भी गीत प्रस्तुत करके वो हमारे जीवन में परिणत करके लिए आह्वान कर रहे हैं। जब गौरांग महाप्रभु आए थे, उनके आह्वान से उनके प्रेम के सागर में सब आप्लुत हो गए। प्रेम सागर उठलो तूफान, तूफान आ गया, इज ए स्टॉर्म इन द ओशन ऑफ लव। थाकलो नार कुलमान। भगवान का क्या परिचय है?
त्याजी जाति कुलमान, निष्कारण भक्त शरण त्याजी जाति कुलमान। तो जब गौरांग महाप्रभु का अवतार में आए थे ब्राह्मण होते हुए भी, ब्राह्मण शरीर होते हुए भी जाति कुल मान त्याग करके सबको आलिंगन दिया, सबको अपना लिया और भगवान को प्रेम से जो उद्बुद्ध होंगे उसका भी यार कुल मान का कोई ख्याल नहीं रहेगा, उनका मन सबके साथ युक्त हो जाएगा। और उसे याद करते हैं वही गौरांग प्रभु वृंदावन में आए थे एवं राखाल वेश धारण करके गोचारण कराए थे और साथ साथ मोहन बंशी बंशी वादन करते हुए गोपीगण का मन चुरा लिया था। न केवल मन चुरा लिया था, गोपीगण का जो अभिमान, अभिमान भंजन करने के लिए गोपीगण का पद सेवा भी किया। मानेर दाए थुल्ले गोबीर पाए और भिषे गलो चांद बयान, आपका जो सुंदर मुखमंडल आपका अश्रु जल में वो धौत हो गए। एक अद्भुत वृंदावन लीला जो कि गौरांग लीला में भी हम लोग देखे थे वर्णना है कि राधा प्रेम में उनका अश्रु विगलित हो जाते थे, रोते हुए उथल पथल हो जाते थे। जब प्रेम का जब तरंग उठता है वो तरंग में हमारा जो अनुभूति वो सबको पार करके चले जाते हैं। तो गौरांग महाप्रभु का संगीत, भगवान श्री कृष्ण का संगीत, ये सब सुनाते हुए ठाकुर भक्तगण को भक्ति के स्रोत में अवगाहन करने के लिए आह्वान कर रहे हैं। वह खुद भक्ति भाव में आनंद सागर में निमज्जमान है। ही वॉन्ट्स टू शेयर हिज डिवाइन लव, डिवाइन जॉय विथ ऑल द डिवोटीज। भक्तगण के बीच में गृहस्थ भक्त भी है, तरुण भक्त भी है, त्यागी भक्त भी है, सबके लिए उदार आह्वान, तुम लोग सब आओ भगवत प्रेम में विभोर हो जाओ, सब कुछ भूलकर भगवत प्रेम में अवगाहन करते हुए मनुष्य जीवन सार्थक करो। फिर उस समय में वो चाहते थे सब मिलकर ये भक्ति स्रोत में अंश ले, लेकिन कोई कोई अंश लेने में अस्वीकार किया, उसका विवरण आगे है जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत, श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए।
नमस्कार।